देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत। खंडवा महाकाली मंदिर के 34वें स्थापना दिवस पर प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी बड़ी संख्या में भक्तों ने माता के दर्शन कर आयोजित भंडारे में भोजन प्रसादी ग्रहण कर धार्मिक पुण्य प्राप्त किया। खंडवा के मालीकुआं क्षेत्र में विराजित मां कालिका देवी के मंदिर में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी माता मंदिर का 34वां स्थापना दिवस धार्मिक हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। माता मंदिर में आज सुबह से ही भक्तों द्वारा माता कालिका देवी का दर्शन पूजन करने का दौर शुरू हो गया था। मां काली मंदिर के 34वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मंदिर को विद्युत रोशनी से सजाया गया था। वहीं मां कालिका देवी का विशेष श्रृंगार कर पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर पंडितों द्वारा सुबह 8 बजे से मंत्रोच्चार कर हवन पूजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में अपने परिवार के साथ पहुंचकर श्रद्धालुओं द्वारा हवन कुंड में आहुति देकर माता से अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की गई। इस शुभ अवसर पर कन्या भोज के पश्चात महाकाली प्रांगण में दोपहर 12 बजे से भंडारे का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में माता के भक्तों ने भोजन प्रसादी ग्रहण कर अपने जीवन को धन्य होने की अनुभूति प्राप्त कराई। रात्रि 8 बजे महाकाली की महाकाकड़ा आरती पंडित अजय सोनी व श्रद्धालुओं द्वारा की गई। आरती के पश्चात विशाल भजन संध्या के आयोजन में मां शारदा जागरण समिति द्वारा भजनों की प्रस्तुति दी गई, जिसमें माता के भजनों का आनंद का रसपान कर श्रद्धालु जमकर झूमे। भंडारे आरती व भजन संध्या में खंडवा की धर्म प्रेमी जनता ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर पुण्य लाभ लिया। आयोजन में पंडित अजय सोनी, धर्मेंद्र, हरीश बाथम, समाजसेवी सुनील जैन, सचिन झंवर, नितिन झंवर, वीरेंद्र श्रीमाली, सुनील तंवर, जगदीश चौहान, उमेश यादव, गणेश भावसार सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हुए। दो फरवरी के दिन मंदिर की स्थापना हुई थी। इस दिन सुबह 8 बजे हवन हुआ। उसके बाद हवन के बाद आज दो फरवरी 1983 को मंदिर की स्थापना हुई थी। ये मंदिर को 34 साल हुए। खबर समय जगत के लिए खंडवा से कैमरामैन भवानी प्रसाद शर्मा, सिटी रिपोर्टर मनीष भलराय के साथ ब्यूरो चीफ दीपक चावरे की रिपोर्ट। देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।